जूनियर डॉक्टरों का अनोखा विरोध, बॉन्ड मनी के लिए कटोरा लेकर कॉलेज के सामने बैठे जूडा। रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज में आज जूनियर डॉक्टरों का अनोखा विरोध देखने को मिला, जहां सरकार के द्वारा मांगी गई बॉन्ड मनी को लेकर जूनियर डॉक्टर कॉलेज के सामने कटोरा लेकर बैठ गए तथा कहा कि हमारे द्वारा चुनी गई सरकार को हमारे प्रतिनिधिमंडल से बात करने की आवश्यकता है, जिसके बाद ही जूनियर डॉक्टर काम पर वापस लौट सकेंगे। हम आपको बता दें कि कोरोना संकट काल में योद्धाओं की भूमिका में नजर आए जूनियर डॉक्टर अपनी अलग ही मांग में मशगूल हो गए, जिसके चलते बीते 5 दिनों से समूचे मध्य प्रदेश में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल शुरू है, मगर सरकार ने अब तक जूनियर डॉक्टरों से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं की है, बल्कि सरकार के द्वारा अब जूनियर डॉक्टरों से बॉन्ड मनी की मांग की जा रही है, जिसके कारण आज रीवा में डॉक्टरों का अनोखा विरोध देखने को मिला। बॉन्ड मनी मांगने के विरोध में जूनियर डॉक्टरों ने कॉलेज के सामने बैठकर कटोरा लेकर भीख मांगने जैसा विरोध जाहिर किया। दरअसल स्टाइपेंड सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर बीते 5 दिनों से जूनियर डॉक्टरों के द्वारा समूचे मध्य प्रदेश में हड़ताल की जा रही है, जिसको लेकर सरकार के द्वारा लगातार बयानबाजी सामने आती है तथा सरकार का कहना है कि उन्होंने जूनियर डॉक्टरों की 4 मांगों को मान लिया है, जबकि लिखित में किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण अब जूनियर डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें सरकार से लिखित में आश्वासन चाहिए तथा उनकी मांग है कि सरकार उनके सामने बैठकर बातचीत करे। कटोरा लेकर के बैठे हैं, क्या इसका उद्देश्य है, क्या बताना चाहते हैं? आज हम समस्त जूडा रीवा के जो हमारे मेंबर्स हैं वो यहाँ पे खड़े हैं ताकि हम अपने लिए सरकार को एक मैसेज भेज सकें। जो सरकार ने हमने 6 दिन से कार्यबंदी कर रखी है, हम सरकार से अपनी जो 6 या 7 मांगे हैं उनको निरंतर मांगते आ रहे हैं, पर सरकार की तरफ से कोई हमसे बात करने के लिए आगे नहीं आया है, और सरकार की तरफ से अन्य जितनी भी तरीके की भटकंडे अपनाए जा सकते हैं दबाने के, वो सब अपनाए जा रहे हैं। इससे त्रस्त होकर परसों हम लोगों ने सभी ने एक सामूहिक इस्तीफ़ा दिया। अब सरकार उस चीज़ के ऊपर हमारी बातों को सुनने की जगह हमसे उस इस्तीफे के तौर पर जो बॉन्ड मनी हमने होती है वो मांगी जा रही है, जिसका अमाउंट लगभग 750 करोड़ है। 750 करोड़ तो कितने गरीब घर से लोग यहाँ पे आए हैं, उठ करके गांव से आए हैं उठ करके, जो डॉक्टरी कर रहे हैं किसी के पास नहीं है। तो हम अब जनता से सामने कटोरा लेके बैठे हैं कि आप हमें कुछ सहायता करें तो हम भी अपना बॉन्ड मनी भर करके आगे अपना कार्य कर सकेंगे। आज भी हम सरकार को इस बात का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हमारी मंशा किसी भी तरह की कार्यबंदी या हड़ताल की नहीं है। हम ये चाहते हैं कि बस हमारी मीटिंग हो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री से, ताकि हमारी बातें सुनी जा सकें एक प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे कि सबकी बातें सुनी जाएं, हम भी सरकार की सुने, सरकार भी हमारी सुने। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, किसी तरह की मीटिंग कुछ अरेंज नहीं हो पा रही है। हम उसी के लिए आज अपने लिए बॉन्ड मनी का पैसा इकट्ठा करने के लिए कटोरा लेकर के बैठे हैं। अन्य कई कॉलेजों में हॉस्टल भी खाली करने के लिए बोला जा चुका है, उन कॉलेजों में लोग हॉस्टल के बाहर ये सब कर रहे हैं। तो अभी भी हमारी सरकार से यही गुहार है कि प्लीज़ हमारी बात सुने और उसके ऊपर जल्दी से जल्दी अमल करें, ताकि हम भी अपने मरीजों के पास जा सकें। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है, वातावरण दिवस है, विश्व वातावरण दिवस। उसके लिए हम लोगों ने 10 पेड़ लगाने का फैसला किया है, जो कि अभी आ रहे हैं, कुछ देर में वृक्षारोपण करेंगे हम लोग यहाँ पर। और इसी तरह से हम ये बताएंगे सभी को, सरकार को भी और जितने भी जनता भी है हमारी, कि हमें सबकी फिक्र है। और जूडा रीवा पेड़ लगाकर इस बात को सिद्ध करना चाहता है कि हमें मरीजों के साथ साथ पूरे विश्व की भी चिंता रहती है, और हम अपना काम तुरंत से तुरंत चालू करना चाहते हैं, सरकार हमारी बातों को सुन ले। अभी तक तो इस तरह का किसी मीटिंग का कोई खबर ही नहीं आया है कि सहमति बनने का सवाल पैदा हो। सहमति तब बनेगी जब कोई मीटिंग हो, मीटिंग हुई ही नहीं। सरकार झुक नहीं रही है, आप लोग भी मान नहीं रहे हैं, तो अगली रणनीति क्या होगी आपकी? देखिए, हमारी रणनीति कुछ भी नहीं है। हमारी रणनीति तो सिर्फ इतनी सी है कि सरकार हमारी बात सुने। हमारा सारे प्रयास लगे हुए हैं कि हम सरकार हमारी बातों को सुने। कल यहाँ पे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष महोदय गिरीश जी थे, उनसे भी हमारे जूडा के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने बातचीत करी, और उनसे यही हमने गुहार लगाई कि साहब आप हमारी मीटिंग करा दीजिए, आप हमारी बातचीत चालू करा दीजिए, आप मध्यस्थता बन करके हम दोनों पार्टियों के बीच एक बातचीत चालू। अगर हक की बात रखना गलत है तो ये तो मुझे नहीं पता कि आज तक कभी ऐसा हुआ हो। अपनी हक की बात रख रहे हैं, बस यही हमारा ध्येय है। हमें किसी का भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम नहीं कर रहे हैं। हमें कोर्ट की बात के अगेंस्ट जाने का भी मन नहीं है, हमें सरकार के भी अगेंस्ट जाने का मन नहीं है, हमें कार्यबंदी करने का भी मन नहीं है। बस सरकार हम लोग हमारी बातें सुने, कोई तो मीटिंग के लिए तो आए। क्या मीटिंग से हड़ताल खत्म कर दें? मीटिंग अगर होती है, दोनों दल सहमति पे आते हैं, तो ज़रूर जिस समय सेंट्रल JDA इस बात का मैसेज हम तक पहुँचा देगा कि हमारी जो दोनों
दल जो है सहमति पे आ चुके हैं, हम यहाँ से उठ करके अपने वार्डों में चले जाएंगे। इसी वजह से तो कॉलेज परिसर में खड़े हैं, कॉलेज कैंपस में हैं, डेली आ रहे हैं, लोग यहीं रहते हैं। इसी बात को सोच करके कि अभी ऑर्डर आ जाए और हम अभी चल दें अपने काम की तरफ। वहीं आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर की हड़ताल का समर्थन JRSR ने भी दे दिया है। शुक्रवार को काम छोड़कर चले गए। JRSR के भरोसे मरीजों का इलाज चल रहा था, उस पर भी संकट खड़ा हो गया है। जूनियर डॉक्टर और JRSR के हड़ताल पर जाने से सामान्य मरीजों का शुरू होने वाला ऑपरेशन भी डिले कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है, मरीजों को देखने से हाथ खड़े कर दिए हैं। अस्पताल में पूरी तरह से दूरी बना ली है, ऐसे में जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल में इलाज व्यवस्था पर भी पूरा असर पड़ रहा है। हालांकि जूनियर डॉक्टरों के जाने के बाद सीनियर और जूनियर रेसिडेंट डॉक्टरों ने मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन शुक्रवार से वो भी समर्थन में चले गए हैं। अब कुल मिलाकर अस्पताल सीनियर डॉक्टरों के भरोसे ही चल रहा है। आइए इस संबंध में सुनते हैं मरीजों सहित मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से प्राप्त जानकारी के अंश। चौथे फ्लोर में डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, नहीं आते। तो कैसे, क्या तकलीफ होगी? उनके फेफड़े में पानी आ गया है, तो हो गया? नहीं, वो निकाले हैं, पानी फेफड़े से आ हुआ है तो निकाले हैं। और 2 दिन से बोल गए कि निकालने पर निकाल नहीं, स्ट्राइक में चल गए हैं सर। मतलब अभी कोई डॉक्टर नहीं? कोई डॉक्टर नहीं। अनुपम कुमार, इनके पैर में इंफेक्शन हो गया था, सूजन था, जिससे मवाद वगैरह आने लगा था। लगभग 26 दिन हो रहा है मुझे भर्ती करके। क्या इलाज चल रहा है? डॉक्टर आए थे आज? पहले तो थोड़ा बहुत चल रहा था, और आज तो बिल्कुल भी सुबह से कोई आया नहीं। या तीसरा दिन का पट्टी था, तो मैंने खुद से किया है, इसको काट के मैंने खुद से पट्टी किया, सब दवाइयाँ बाहर से ला के खुद से पट्टी मैंने किया। हाँ, क्या करें, पट्टी सड़ रही थी, पूरा कॉटन वगैरह सब सड़ गया था, तो खुद से करना पड़ेगा ना, पूरा सड़ के अंदर इन्फेक्शन फैल रहा था। अभी हमारे हम लोगों ने सीनियर फैकल्टी जो हमारी है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इन लोगों के रात में ड्यूटी रोस्टर लगा के ड्यूटी चालू कर दी इन लोगों की, और सभी जितने हमारे वर्किंग स्टेशन है उसको हमने कॉम्पैक्ट कर लिया। जो पहले हमारा फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे भी पेशेंट रहते थे, और तो उनको भी हमने थर्ड और चतुर्थ पे शिफ्ट कर दिया, ताकि वर्किंग स्टेशन कम हो जाए। ICU में जो हमारे नीचे पेशेंट थे फर्स्ट फ्लोर पे, उनको हम लोगों ने जहाँ सेकंड और थर्ड पे जगह थी वहाँ एडजस्ट कर लिया, और हर वर्किंग स्टेशन पे हमारे 3-4 फैकल्टी लगी। जैसे ICU है तो वहाँ 4 लोग हैं, वार्डों में भी हमारी फैकल्टी ही काम कर रही है। डॉक्टर हैं, उन्होंने ये बताया कि कल से कोई डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, कईयों का ऑपरेशन चला हुआ है। अब ये कोविड में ड्यूटी लगा दी गई है, कैजुअल्टी में ड्यूटी लगा दी है, सुपरिटी में भी, नॉन कोविड का भी कार्य सफर न हो वहाँ भी लगा दी गई है ये। तो अभी आज सुबह से ही वो लोग गए हैं, इसके पहले तक इमरजेंसी सर्जरी की जा रही है, इमरजेंसी ऑपरेशन हो रहे हैं, जो रूटीन सर्जरी है वो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमारे ENT में प्रतिदिन 5 इंडोस्कोपी हो रही है, 2 से 3 सर्जरी हो रही है, तो वो अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थेशिया, अगर उनकी ड्यूटी लगी है एनेस्थेशिया वालों की, तो हम लोग उन ड्यूटी के अलावा उन लोगों से काम लेके ऑपरेशन